मैं तोड़े लई जो ए लोरी दा मेकअप लुक क्रिएट किया सी हुन मैं उदी अनरेडी वीडियो बना लिया। नाल मैं तुहानू ए दिखा रही हाँ कि मैं कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए सी स्मिथन ऐप तो मैं नाल उदा भी तुहानू रिव्यू प्लस डेमो दिखा दांगी। थोड़ा बहुत उस प्रोडक्ट बारे भी मैं तुहानू दस दांगी। तो चलिए हुन ए वीडियो दी अनरेडी शूट करने आ। तो सॉरी फॉर नॉइज गाइज, माई नाइसी एंड माई नैफ्यू, जो मेरे नाइसी और नैफ्यू अगेन गाइज मेरे शोर इन्ना खप पाते कि मैं कोई भी वीडियो बना नहीं दें। सो चलिए ऐ तो हो गई उट पटांगा गल् आने बैक टू वर्क गाइज। अब मैं तुम्हें दिखा देनी हाँ कि मैं किस ना अनरेडी वीडियो मैं शूट करनी है। नाल किस अगर मैं थोड़े ना कोई भी लुक क्रिएट करनी है तो मैं अनरेडी वीडियो भी करनी है। नाल मैं स्किन केयर का भी ध्यान रखनी हाँ तो वो मैं थोड़े दिखा देनी है। नाल ही गाइज मैं तुम्हें कुछ प्रोडक्ट अगेन उद्दे बारे भी दस दी रहाँगी मैं कितों मंगाए। नाल सारे प्रोडक्ट का लिंक गाइज मैं डिस्क्रिप्शन मैनशन कर दाँगी। तुम कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो एक क्लिक करके उन्होंने परचेज कर सकते। तो गाइज आप स्टार्ट करने साड़ी अनरेडी वीडियो। तो गाइज मैं अपना तुसी देख सकते हो मैं अपनी आईलैश जो हैगी सी मैं उन्होंने रिमूव करता है। उस तो बाद गाइज मैं इतने ले रही हाँ बायोटिक बायो द आमंड ऑयल है गाइज, अच्छा है मेकअप रिमूवर रिमूव करने पिछे तो बेस्ट प्रोडक्ट हाली तक विंटर के पिछे। तो गाइज ए अच्छा है, कोई भी कोकोनट ऑयल या फिर आमंड ऑयल तुसी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे को पिया से बायोटिक बायो द आमंड ऑयल तो मैं उइयो अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पर। तो गाइज मैं कुछ नहीं किया, मैं दो तीन ड्रॉप लीती हैं उन्होंने अपने फेस पर मसाज कर लेंगी है। और तुसी देख सकते हो कितना इजीली मेरी सारी फाउंडेशन रिमूव हो गई है। उस तो बाद गाइज मैं नॉर्मल टिशू लाँगी टिशू की हेल्प तो टिशू की मदद नाल गाइज मैं अपने पूरे फेस तो मेकअप रिमूव कर लाँगी। तुसी देख सकते हो कितना इजीली मेरे अख का मेकअप नाउ रिमूव हो गया है। तो गाइज मैं अपनी लिपस्टिक भी ए रिमूव कर रही हाँ और नाल नाल ना गाइज साड़ी स्किन इन्नी सॉफ्ट लगती है ना ऑयल ना मेकअप रिमूव करन तो बाद बड़े अच्छा जहा फील होंदा है, कोई ड्राईनेस नहीं आती। असी नॉर्मल फेस वॉश करांगे और मेकअप रिमूव करांगे गाइज बड़ा ही गंदा लगेगा, नाल साड़ी स्किन ना बड़ी ड्राई ड्राई सी हो जाएगी। उस तो बाद गाइज मैं इतने फेस वॉश करन तो बाद गाइज मैं इतने ना वैट कर लीता, मैं कोई फेस वॉश नहीं किया। मेकअप रिमूव करन तो बाद गाइज मैं इतने ना रोज़ वाटर यूज़ किया। उस तो बाद गाइज मैं इतने ना जो प्रोडक्ट लिता हैगा सी वो हैगा सी प्लाम ग्रीन टी पोर क्लिनजिंग फेस वॉश। गाइज ऐसे स्मिथन ऐप मैं जो स्मिथन अनबॉक्सिंग थोड़े नाल वीडियो शेयर की सी अपने चैनल तो उदे विच ए भी प्रोडक्ट आया सी। ए प्रोडक्ट की गल करा गाइज अच्छा है, एंटी ऑक्सीडाइज ग्रीन टी हैगी ए स्किन ना ए ना रीन्यूइंग करने ना बड़ी हैल्प करता है। नाल ए ना माइल्ड नैचुरल से स्क्रब प्रॉपर्टीज़ अगेन ए फेस वॉश भी है नाल तो नाल स्क्रब प्रॉपर्टीज़ भी अगेन। तो तुसी आराम नाल अपने फेस नू वेट करके इनू 2 to 3 मिनट्स अच्छी तरह मसाज कर सकते हो। अगर तुसी एज अ फेस वॉश यूज़ करना तो तुसी 60 सेकेंड भी मसाज कर सकते हो गाइज, पर मैं इनू 2 to 3 मिनट्स मसाज कर लीती सी ताकि अच्छी तरह मेरे पोर्स भी क्लीन हो जाए और नाल ही नाल मेरा पूरा मेकअप भी रिमूव हो जाए। तुसी देख सकते हो कितना इजीली ऐसे ना फॉर्मिंग फेस वॉश वक्न अदी हैगा सी। उस तो बाद गाइज मैं अपना फेस वॉश कर लिता, करन तो बाद तुसी देख सकते हो मेरे फेस से थोड़ा बहुत अच्छा ग्लो लग रहा सी। इजीली इन्हें मेरे का पूरा मेकअप पूरा ऑयल रिमूव करता। उस तो बाद गाइज मैं इतने प्लम का ग्रीन टी मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर लिता है। नॉर्मल अगर तुसी स्किन केयर देखना है ना मेकअप रिमूव करने के पीछे तो यह बेस्ट है। तुसी नॉर्मल कोई भी अच्छे ब्रांड आमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल लैके तुसी मेकअप रिमूव कर लो, फेस वॉश अच्छा जहा यूज़ कर लो, नाल तुसी मॉइस्चराइजर करो। ए शोर्ट स्किन केयर होंगे जे असी जब असी को साढ़े को इन्ना टाइम नहीं होंगे ना तो मैं इो स्किन केयर फॉलो करनी हाँ। तो गाइज इस प्रोडक्ट की गल करा अच्छा प्रोडक्ट है, तुसी अपने फेस से अप्लाई कर लो डोट करके अच्छा है, मैट फिनिश है सिलिकॉन बेस्ड है गाइज, थोड़ी स्किन अच्छा करता ओली स्किन टाइप है। अगर इस प्रोडक्ट की गल 150 रुपीज़ है प्राइस से नाल 15 ml की इतनी बोटल से, बट मैंने इस स्मिथन ऐप तो अच्छा मिला। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो गाइज प्लीज़ लाइक करना ना भूलना, मेरी वीडियो ने शेयर करना ना भूलना। बाय बाय, सत श्री अकाल।